नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। आज जिस खबर पर हम चर्चा शुरू करने वाले हैं, वो खबर हमारे लिए शर्म है। वो शर्मनाक खबर है। हमारा सर शर्म से झुकाती है कि किस तरह हमारा समाज विभक्त होता जा रहा है, किस तरह इस तरह के घिनौने काम समाज में किए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक निर्भया कांड हुआ था, निर्भया दिल्ली में। उसके बाद बहुत ज्यादा आवाज उठाई गई, बहुत ज्यादा हल्ला हुआ, और उस हल्ले के बाद ये लगा कि इस देश में कुछ बदलाव आएगा, लेकिन बदलाव नहीं आया। बदलाव की आस सबको है, समाज का हर व्यक्ति बदलाव की बात कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद समाज सुधरने को तैयार नहीं है। और लगातार हमारी बच्चियां, हमारी देश की महिलाएं क्रूरता और अपराध का शिकार हो रही है। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो अलीगढ़ में हुआ बच्ची के साथ, आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं, क्यों बार बार इसी तरह की चीजें हो रही हैं, क्यों हमें बार बार शर्मसार होना पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। तू देश की बिटिया है, अपने मां बाप की आंखों का नूर, तेरे नन्हे पैरों की छाप आज भी घर में मौजूद है। तेरे छोटे छोटे पैरों में खनकती पायल की खनक हमारे कानों में गूंज रही है, लेकिन कुछ दरिंदों ने तुझे हमसे छीन लिया। समाज की विभत्स सोच से हम तुझे बचा न सके बिटिया, हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 2.5 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। साथ ही इस केस में पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। गौरतलब है कि महज 10,000 के लिए एक नन्ही बच्ची का गला घोंटकर हत्या कर उसके शव को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 30 मई को गायब हुई बच्ची का शव बाद में घर के पास की कूड़ा घर में 2 जून को सड़ी गली हालत में मिला। लापरवाही बरतने के आरोप में इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पूछताछ के दौरान में और 161 के बयान नोट करने के बाद में जाहिद को और असलम को जो है जेल भेज दिया गया। इसमें अभी अग्रिम कार्रवाई, अग्रिम विवेचना जारी है, और इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस एफएसएल की जो टीम आई थी उसकी रिपोर्ट और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम को हम लोग करवाएंगे विवेचना में आगे। इस खौफनाक वारदात से पैदा गम और गुस्सा अलीगढ़ और उसके बाहर तक पसरा हुआ है। सिनेमा और राजनीति से जुड़ी शख्सियतों का गुस्सा सोशल मीडिया पर दिख रहा है। लोग आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को भी दूर करने की कोशिश की, साफ किया कि बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ है और न ही उसकी आंखें निकाली गई हैं। अभी तक की जो प्रिलिमिनरी जो पीएम जो डॉक्टर्स 3 पैनल के डॉक्टर्स ने मिलकर किया है, इन दैट देयर इज नो मेंशन ऑफ रेप और नो मेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, नो मेंशन ऑफ एसिड और एनी केमिकल व्हिच हैज बीन यूज्ड ऑन द बॉडी। देश में बच्चियों और महिलाओं के साथ क्रूरता के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कठुआ का मामला हो, उन्नाव गैंगरेप हो, या फिर बिहार के अररिया और उज्जैन में 5 साल की बच्ची के साथ दुराचार, ये घटनाएं समाज में बढ़ती क्रूरता और कुत्सित सोच का आईना है। लोग गुस्सा दिखाकर शांत हो जाते हैं, मोमबत्ती जलाकर भूल जाते हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना है तब तक जब तक देश की हर बच्ची हर महिला खुद को सुरक्षित महसूस ना करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। हम भूलने लगे हैं, इस घटना के बाद भी हम शायद भूल जाएंगे। हम मोमबत्ती लेके हम इस घटना का दुख मना रहे हैं, शोर मच रहा है कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, लेकिन हम फिर भूल जाएंगे और ये चीजें ऐसे ही निरंतर चलती रहेंगी। समाज के लिए सोचनीय विषय है, इस पर सोचना होगा। एक कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिनको मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। अगर हम बात करें एनसीआरबी के मुताबिक, देश में पिछले एक दशक में बच्चों के खिलाफ अपराध में करीब 500% की वृद्धि हुई है।
इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बच्चों के खिलाफ एक सोच जो है अपराध की सोच काम करने लगी है। देश में इस तरह के मामलों को लेकर 370 से ज्यादा अपराधी जेल में हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। बिहार के एक स्कूल प्रिंसिपल समेत कई लोगों की ओर से एक छात्रा के साथ महीनों तक गैंगरेप किया गया। चेन्नई में 11 साल की एक किशोरी के साथ 7 महीने तक दुराचार किया गया। तमिलनाडु में एक रूसी महिला टूरिस्ट के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप किया। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2016 के दौरान रोजाना औसतन 106 ऐसे मामले दर्ज किए गए, अब यह तादाद बढ़कर रोजाना करीब 110 तक पहुंच गई है। वर्ष 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद तमाम कानूनों में संशोधन किया गया था और कुछ नए कानून बनाए गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2012 में जहां पूरे देश में बलात्कार के 24,923 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2016 में यह तादाद डेढ़ गुनी से भी ज्यादा बढ़कर 38,947 तक पहुंच गई। कुल मिला के इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। निर्भया के बाद लगा कि कुछ कड़े कानून बनेंगे, कानून बनाए भी गए। 12 साल की बच्ची के साथ अगर इस तरह का कृत्य किया जाता है किसी भी तरह का, उसको लेकर कानून बनाया गया, लेकिन शायद वो सख्ती दिखाई नहीं देती है। उस सख्ती का असर भी जो अपराधी है उन पर दिखाई नहीं दे रहा है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम मेरे साथ हैं, मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता विजय गोयल जी हैं, दिनेश वर्मा हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अनीता जी, मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले इस अलीगढ़ के मसले को जो हम देखते हैं, ये क्रूरता, ये भयानकता, ये जघन्यता जो अपराधियों ने उस बच्ची के साथ की, एक 10,000 रुपए का मामला था जो मामला सामने आया है इन्वेस्टिगेशन में, कि 10,000 रुपए की देनदारी थी। उस देनदारी को लेकर बच्ची को मार दिया गया, क्रूरता के साथ मारा गया। कौन सी मानसिकता ऐसी काम कर रही है कि इन बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं अपराधी? देखिए, ये मेरे ख्याल से कि सिर्फ दस क्या वो हजार खतरा थी उसके लिए? नहीं, खतरा नहीं थी, ये उसकी मानसिकता, उसकी विभस्त मानसिकता को शो करती है जिसने ये क्रूर कार्य किया है। सिर्फ 10,000 रुपए के लिए किसी को भी मार देना, किसी भी बच्ची के साथ ऐसा करना, एक वो सही मानसिकता तो हो ही नहीं सकती। पैसा है, हम सब जानते हैं, आज आया कल गया, पर पैसों के लिए किसी की बच्ची को, मतलब किसी भी व्यक्ति, और जो एक छोटी सी बच्ची 2.5 साल की मासूम सी बच्ची है जिसको मारा नहीं करके बल्कि कितनी विभस्ता से उसको मारा है, जिसको देखकर अगर हम सुन भी रहे हैं तो भी हमारी रूह कांप जाती है। उन्होंने तो वो कार्य कराया, तो इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है कि उनकी मानसिकता उस समय बिल्कुल सही नहीं है। कहीं ना कहीं एक डर, जो हम अपराध कर रहे हैं वो डर खत्म हो चुका है उनको। वो जब बच्चा रोया उससे जो हमको पीड़ा होती है वो पीड़ा उनकी खत्म हो चुकी है। डर बहुत ज्यादा कि भाई हम क्या होगा, हमारा अंजाम क्या होगा, वो डर भी उनके अंदर नहीं है, क्योंकि अब मालूम है कि अपराध किया है तो वो पकड़ा भी जाएगा, पर पकड़ने के बाद समाज क्या उसको सजा देती है, सरकार क्या सजा देती है, वो डर मुझे लग रहा है कि समाज में से खत्म होता जा रहा है। उसी की वजह से ये जो केसेस हैं बच्चों के साथ वो बढ़ते जा रहे हैं कि हमें पकड़ भी लेंगे तो क्या। पर मेरे ख्याल से वो डर खत्म हो गया, वो एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि अगर हमारे अंदर डर रहता है। जैसे आप ये मान लो कि मैं एक आपको इजी सा एग्जाम्पल देती हूँ कि हम ट्रैफिक है, 90% जो लोग हैं वो हेलमेट किस डर की वजह से लगाते हैं कि हमें कोई पुलिस वाला ना पकड़ ले, खुद की सोच की वजह से नहीं लगाते, क्योंकि डर होता है कि कहीं पुलिस वाला पकड़ नहीं ले, चालान ना कर दे। तो वो डर खत्म होता जा रहा है कि अगर हम अपराध कर रहे हैं, हम पकड़े जाएंगे तो कहीं हमें जेल ना हो जाए या समाज से हमें बहिष्कृत ना कर जाए, वो डर समाज में से खत्म होता जा रहा है, लोगों में से खत्म होता जा रहा है। जो आपने कही डर की बात, इस डर को मैं, इस डर के सवाल को मैं आपके पास लाता हूं दिनेश जी। कानून का एक डर होता है, कानून का डर, अलग अलग धाराएं बनाई गई, अलग अलग कानून नियम बनाए गए। निर्भया कांड के बाद इस बात की मांग उठने लगी कि अब एक सख्त कानून की जरूरत है, कि सख्त कानून बनाया जाए कि इस तरह के वारदात, इस तरह की घिनौनी वारदातें नहीं हो। लेकिन वो नहीं रुकी, लगातार इस देश में इस तरह की वारदात हो रही है, अपराधियों के अंदर से खौफ बिल्कुल निकल गया है। आपको क्या लगता है कि ये कानून की कोई लूपहोल्स है इस वजह से ये हो रहा है, या फिर कुछ और कारण आपको दिखते हैं? कानून के विशेषज्ञ होने के नाते आपको क्या लगता है? देखिए, कानून है, कानून बहुत सख्त से सख्त बना हुआ है। समय समय पर जैसे जैसे अपराधों का वर्गीकरण हुआ, अपराध की
जो प्रकृति थी वो बदलती गई, उसके हिसाब से सजा में भी प्रावधान जो थे वो बढ़ते गए। आज पोस्को एक्ट है, उसमें है जो पहले मिनिमम से मिनिमम 5 साल की सजा है, अधिकतम है जो उसमें आजीवन कारावास है, और विशेष परिस्थितियों में जैसे रेयर से रेयर केस, जैसे आप अलीगढ़ वाले जो केस की बात करें तो उसमें फांसी तक की सजा का प्रावधान अभियुक्तों को देने का है। साथ ही इसके लिए विशेष, तो ये एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी आपने जो बात कही है, विशेष अदालतों की बात है, या क्या लोगों में इन कानूनों का खौफ नहीं है? देखिए न्यायपालिका में समय लगता है, उस समय का कहीं ना कहीं अभियुक्त ये देखते हैं कि हम शायद इस न्यायिक प्रक्रिया के आधार पे बच जाएंगे, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है पुलिस के द्वारा जो पेश किए गए चालान पे, उनके द्वारा संकलित किए गए एविडेंस के आधार पर, और न्यायालय में आकर के जो गवाह है वो क्या बयान दे करके जा रहा है। जिन केसेस में अगर गवाह आकर के और उन जो घटना की ताईद है वो करता है, तो उस दशा में अभियुक्त को कानून के डर से कोई नहीं बचा सकता, उसको सजा से कोई नहीं बचा सकता। आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में लगभग फांसी की सजा भी अभियुक्तों को दी गई उनके कृत्यों के आधार पर। मेरे ख्याल से वो केसेस बहुत ही कम है, एक या दो केसेस अगर हम पढ़ें तो इतने से केसेस, दो तीन केसेस के जिसके अंदर फांसी की सजा हुई है। पर जैसा अभी आपने आंकड़े बताए, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो केसेस बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, पर उसके अकॉर्डिंगली सजा नहीं दी जा रही है। जैसे कि आपने कहा अभी कि वहां पे गवाही हो, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कारण बच्चों के खिलाफ जो क्राइम बढ़ रहा है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, एक विक्टिम जो होता है जो बता नहीं सकता है, जो पहचान नहीं कर पाता है या जो उसे बोल नहीं पाता है, तो उनको एक इजी विक्टिम होता है जिसके खिलाफ क्राइम बढ़ता जा रहा है। कि छोटी सी बच्ची है, उसको आप इजीली अप्रोचेबल, वो कहीं पे भी घूम रही है, पकड़ा, क्राइम किया है, लगता है ये उनका कुछ बिगाड़ नहीं, कुछ बिगाड़ नहीं, मेरा कुछ नहीं कर, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो मेरा अपोज भी नहीं कर सकते, ये मेरा अपोज भी नहीं कर सकते। वो बच्चों को एक्चुअली क्या, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, आप उनको उस समय इतना ज्यादा डरा देते हो कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ बोला तो तुम्हारे माँ बाप को मैं कर दूंगा, तुम्हें कुछ कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को कुछ कर दूंगा, और बच्चा इसी डर से कई बार तो आगे भी नहीं आता है। वर्मा जी, ये जो बात देखिए, ये जो कानून का जो लूपहोल्स है, इस केवल इसी मामले में नहीं, हिंदुस्तान में ये सबको पता है कि कानून को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है, कैसे उसका फायदा उठाया जाए और कैसे बचा जाए, ये सब चीजें हो रही हैं। और कहीं ना कहीं अपराधी जो इस तरह के अपराध कर रहे हैं, जो इस मानसिकता के लोग हैं, उनको पता है कि वो कैसे बच सकते हैं इस पूरे मामले में, कैसे कहीं ना कहीं, और उनकी जो मानसिकता कुत्सित भी है अपराध करने को लेकर, वो बहुत सारे ऐसे कारण होंगे। तो क्या ये इस पे और भी काम आपको लगता है कि जो न्यायपालिका का कुछ रोल और अहम होना चाहिए इसमें? जी, इसमें मैं आपको बता दूं कि पॉक्सो एक्ट है, उसमें धारा 33 में ये बताया गया है कि विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा, साथ में धारा 34 में जो बच्चा है जिसके खिलाफ अपराध हुआ जिसके, उसमें उनके आयु का निर्धारण किया जाता है। धारा 35 में ये है कि उस बच्चे का जब कोर्ट के समक्ष लाया जाएगा तो उसके लिए उसका वातानुकूलित आवरण तैयार किया जाएगा, उस बच्चे को ये बताया जाएगा कि भाई आपको किसी प्रकार के डरने की बात नहीं, आप निर्भीक होकर के अपनी बात रख सकते हैं, अगर वो लंच का टाइम मांगता तो उसको लंच भी दिया जाएगा, और कोर्ट उसके लिए वातानुकूलित वातावरण तैयार किया जाता ताकि वह अपराधियों के खिलाफ ये खुल करके, बिल्कुल आपने कही ये किया जाएगा, ये सब जो सारी बातें सही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ परिणाम सामने नहीं आ रहे। मैं विजय गोयल जी के पास जाऊंगा, मैं आपके पास आता हूं दोबारा। विजय गोयल जी, आप तो इस तरह, आप पुलिस के साथ मिलकर भी काम करते हैं, इस तरह की चीजें आपने केसेस हैं या इस तरह की, कौन सी मानसिकता देखते हैं आप इसके पीछे, आप किस वाकिफ कौन सी मानसिकता से हुए? वास्तविकता ये है कि विकास का जो मॉडल अब हमारे सामने आया है वो एक बहुत खतरनाक रूप लेकर लेता हुआ जा रहा है। आज आपके पास मोबाइल है, आपके पास टीवी है, आप जो कुछ आपको सामने परोसा जा रहा है वो एक दुखद परिदृश्य को पेश कर रहा है, और उसकी वानगी बच्चों के साथ जो भी अपराध हो रहे हैं वो आपको देखने को मिल रही है। रहा कानून की बात जो आपने कह रहे थे पॉस्को एक्ट में, देखिए पॉस्को एक्ट में बहुत अच्छा प्रावधान एक ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ को एक्यूज पर नहीं है, विक्टिम एक्यूज पर है, विक्टिम पर नहीं है, जबकि और अपराधों में बर्डन ऑफ प्रूफ विक्टिम के ऊपर होता है। तो यानी कि मैंने एक बच्चा हूँ, मैंने कहा है कि इसने मेरे साथ अपराध किया है, तो आपको तय करना, आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि नहीं अपराध, मैंने ये अपराध नहीं किया। ये एक सबसे बड़ी चीज है। रहा बात आप जो कह रहे हैं
प्रक्रिया की, पुलिस प्रक्रिया में ये सबसे बड़ा एक लूपहोल तो है कि जहां आप बच्चे को, बच्चे के पेरेंट्स को, क्योंकि मैं जब काम कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं लगभग 50 केसेज हैं मेरे पास पॉक्सको के जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उन सारे केसेज में हम देख रहे हैं लगातार कि बच्चा फर्स्ट टाइम में जो बात कर रहा है, सेकंड टाइम में जो बात कर रहा है, कोर्ट में उसके जो प्रोसिक्यूटर है वो उसको जिस तरीके से पेश कर रहा है वो सबसे भयानक है। जिस तरीके से पेश कर रहा है प्रोसिक्यूशन का जो पूरा का पूरा जो भूमिका है वो एक बहुत चिंताजनक है। यदि उसके ऊपर काम नहीं हुआ तो सजा वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा कमजोर। अभी सजा मिल रही है, ऐसा नहीं है कि पॉक्सो कानून में अपराधियों को सजा नहीं मिल रही, सजाएं मिल रही है, लेकिन जिस गति से और मिलनी चाहिए थी, जिसने कम समय में ये सजाएं मिलनी चाहिए थी वो अभी नहीं मिल रही है। कानून कहता है कि 4 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीजों को समाप्त हो जाना चाहिए, 1 महीने के अंदर विदिन 30 डेज आपको चालान पेश करना चाहिए, वो चालान पेश नहीं हुआ। कानून देखिए, कानून के मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप लगातार इस तरह के केसेस से वाकिफ होते हैं, इस तरह के पीछे बार बार ये तो देखिए, एक तो कानून का कम डर डर नहीं होना वो एक अलग चीज हो गई, और किस तरह की मानसिकता से आप वाकिफ हुए कि नहीं। देखिए ये तो उनको बिल्कुल वो बच्चों के साथ जो अपराध करते हैं या जिस वो एक आपराधिक मानसिकता के ही लोग हैं या उनके अंदर ये धीरे धीरे पनपता है। देखिए ये जितने भी लोग हैं आप यदि इन सबके पीछे का बैकग्राउंड देखेंगे तो इसमें 90% वो लोग हैं जो बच्चे के नजदीकी रहे हैं, चाहे वो बच्चे के रिलेटिव हैं, चाहे वो बच्चे के पड़ोसी हैं, या वो बच्चे को बहुत अच्छे नोन है, तो वो ये है कि मैं बच्चे के साथ कुछ कर रहा हूँ तो चाहे बच्चा किसी चीज को नहीं बताएगा, मैं उसको डरा धमका करके उस सारी चीजों को ले लूं। अननोन व्यक्ति तो बहुत कम है, जो अननोन व्यक्ति है वो हमेशा इस तरह के अपराध को अलग तरीके से कर रहा है। इसलिए ये कहना है कि सब अपराधी वो है, अपराधी नहीं, अपराधी तो वो घर का व्यक्ति है। और आप यदि 2007 की मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट अध्ययन जिसके आधार पर पॉक्सो कानून बना, 83% लोग वो थे जो उसके परिवार से या उसके बच्चों के निकटतम व्यक्ति थे। इसलिए आज जो आवश्यकता है वो आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों के साथ मॉरल एजुकेशन के ऊपर काम किया जाए। यदि इस तरह की जो भी चीजें हो रही हैं उन सारी चीजों को बताने के लिए कोई एक जगह हो जहाँ पे बच्चा अपनी बात को कह सके निर्भीक होकर के कि मेरे साथ इस व्यक्ति ने इस तरह की हरकत। चलिए मेरे साथ इस चर्चा में रिटायर्ड आरपीएस योगेंद्र जोशी जी भी जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, जो पुलिस की प्रक्रिया है इस तरह के केसेस में उसको कितना अहम आप मानते हैं, और क्या वो प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं इस तरह के अपराध जब होते हैं लगातार उसके लिए आप लगता है कि आपको इसमें भी सुधार होना चाहिए, इस वजह से भी तेज अपराध लगातार हो रहे हैं इस तरह के? देखिए मैं एक बहुत बड़ी बात करना चाहूंगा जिसके बारे में कभी डिस्कशन होता ही नहीं। हम अपराधियों को सजा देने में लगे रहते हैं, पॉक्सो एक्ट बना दिए, उससे पहले के एक्ट बना दिए, हम आज आप भी नहीं बता सकते कि पहले जितने केसेस हुए हैं उनमें किन किन को क्या क्या सजा हुई, ये किसी को पता नहीं। इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो अपराध करने वाले लोग हैं ये लोअर कैटेगरी के होते हैं ज्यादातर, मिडिल क्लास के भी कम होते हैं, मिडिल क्लास से भी नीचे वाले होते हैं ज्यादातर। ना तो ये टीवी देखते हैं, ना ये कहीं जाके पढ़ते हैं, इनको तो अपराध करने के बाद का ज्ञान भी जो है कि ये अपराध है, ये ज्ञान भी कब होता है जब पुलिस पकड़ के ले जाती है कि हमने ये अपराध कर दिया, हम इस अपराध को कर चुके हैं और अब हमें क्या करना है। आप ये देखेंगे कि बिना वो वकील के या उनके कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, वो समझता ही नहीं है मुझे क्या करना है मेरे लिए। मतलब मैं ये मानता हूं कि इन लोगों को ये पता नहीं कि टीवी में सुबह से शाम तक जैसे अपना डिस्कशन हो रहा है, इस डिस्कशन को कोई नहीं देख रहा कि साहब ये हमारे बारे में, हम अपराधी हैं, हमारे बारे में डिस्कशन हो रहा है। ये तो जब जेल में चले जाते हैं और जेल में टीवी जब चलते हैं तो अपराधी वहां बैठ के देखते हैं क्योंकि फ्री होते हैं, तब देखते हैं कि यार ये अपराध के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ये मर्डर के बारे में हो रहा है, ये उसके बारे में हो रहा है, ये बलात्कार के बारे में हो रहा है, ये थानागाजी के बारे में हो रहा है। मेरा सबमिशन ये है, आप कानून कितने ही बना लो, आप सजाएं कितनी भी दे लो, लेकिन जब तक
इस समाज के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी। जो संस्थाएं हैं हमारी जी। वो संस्थाएं, दूसरा एजुकेशन, हमारी जो प्रारंभिक कार्य की एजुकेशन है उस एजुकेशन के अंदर ये होना चाहिए पहली क्लास से कि पहले जैसे आता था जो आजकल नहीं आता है कि नाक में उंगली मत कर मत कर मत कर, कान में तिनका मत कर मत कर, ये इस प्रकार की जो चीज है ये पहले आती थी लेकिन आजकल ये चीजें बिल्कुल नहीं आती। इसी तरह से इन चीजों का समावेश भी उन उन क्लास के उन चैप्टर्स में आना चाहिए। कारण ये है कि अगर चैप्टर में ये चीज लाएंगे तो वो आप बात कर रहे हैं मॉरल एजुकेशन, छठी या सातवीं क्लास का बच्चा समझेगा कि हमारे अगर कोई पुरुष हाथ लगाएगा, हम मैं लड़की हूँ, मेरे कोई मुझे गोदी में बैठाएगा तो उसके पीछे उसका क्या क्या सोच है, उद्देश्य है उसका, वो टीचर उसको बताएगा या उसके क्लास में उसको समझाया जाएगा, तो बड़ी जल्दी समझ में आएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे टीवी और फोन अब ऐसा नहीं है कि ये अपर क्लास या मिडिल क्लास तक रह गया। मेरे को नहीं लगता कि जिन लोगों ने अभी ये जघन्य अपराध किया है उन लोगों ने कभी टीवी नहीं देखा है या फिर उनके पास फोन नहीं है। आई एम डेफिनेटली श्योर फोन तो उनके पास है ही है। आजकल स्मार्टफोन्स जो होते हैं बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं, टीवी भी आप लोग मतलब काफी सारे लोग इनफैक्ट बहुत से लोग हैं जिनके पास टीवी है जो लोग ये देखते हैं। बात है मानसिकता की। नहीं मैडम, मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूँ सर, फोन इंटरनेट इंटरनेट चलाना, न्यूज मोबाइल पे देखना ये नहीं आता है, नहीं आता है, ये बहुत कम लोगों को आता है। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा सर, लेकिन मोबाइल रखने से, उस छोटे से मोबाइल को रखने से मैं आपके पास आता हूं, प्राप्त नहीं होती। योगेंद्र जी देखिए, ये तो एक मॉरल एजुकेशन की आपने बात की, समाज में समाज को कहीं ना कहीं आप ये बात जो कह रहे हैं कि बच्चों को पता हो कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है, कौन गलत कर रहा है और कौन उनके साथ, मतलब मॉरल एजुकेशन पता लग सके। लेकिन देखिए पुलिसिंग की जो प्रक्रिया है, आपने पुलिसिंग की प्रक्रिया में ये जो अपराध किया, अलीगढ़ के अपराध को अगर मैं लूं तो उसको पता नहीं होगा कि मैं इस बच्ची को मार रहा हूं, इसको मुझे जेल जाना पड़ेगा। उसको अच्छे से पता होगा कि ये बहुत बड़ा अपराध मैं कर रहा हूं, इसका सीधा सीधा जेल नहीं। अगर ये थानाबाजी का मसला है वो कर रहे हैं, दिख रहा आपको भी, क्या उनको नजर नहीं आ रहा? नहीं, उनको नजर नहीं आ रहा है क्या? लेकिन उनको नजर आ रहा है, लेकिन वो इसको अपराध की श्रेणी में नहीं ले रहे हैं। तो सर ये उनकी गलत मानसिकता हो गई ना। तो मैं ये कह रहा हूँ उसको, उस मानसिकता को बदलेगा कौन? देखिए आज ये बच्ची के साथ जो अपराध किया है, इस बच्ची के अपराधियों से पुलिसिंग का, तुमने ऐसा कर दिया, लेकिन जब वो कर रहे थे उनके दिमाग में जो जो बात चल रही थी जिसकी वजह से उन्होंने अपराध किया है उसको आप देखिए तो सही, आपको पता तो चलेगा वो अपराध क्यों किया है। मुझे एक चीज बताइए, पुलिसिंग का कितना रोल हो सकता है? पुलिस प्रक्रिया जो है, देखिए अपराधियों को पकड़ती है, मैं ये नहीं कह रहा सारी जिम्मेदारी पुलिस की है, नहीं नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। लेकिन आप ये सोचते हो रोल पुलिस की, तो इतना सा रोल है कि वो दस्तावेजी साक्ष्य इकट्ठे करती है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस इकट्ठे करती है, नेट और कंप्यूटर ये इंटरनेट के ये इकट्ठे करती है और जो गवाह है वो इकट्ठे करके अदालत के सामने पेश करती है। वहां भी देखिए पुलिस का क्या रोल है, उससे से भी ये पूछा जाता है कि आप वहां गए, आपने ये चीज बरामद की, कहां साहब की, लेकिन जो चीज बरामद की है, जिसके यहां से बरामद की गई है वो बताएगा उस चीज को। जैसे अगर किसी कोई गवाह दे रहा है कि मैंने उस लाइट को उसको ये करते देखा, तो गवाह बताएगा, उस गवाह की गवाही चलेगी वहां, पुलिस की गवाही नहीं चलेगी। हमारे कानून में यही तो बात है, इसके बारे में कौन सुनता है? ब्रिटिश लॉ में या यूएसए में और जगह अगर पुलिस ने कोई चीज देख ली है और उसने लिख करके दिया है तो उसको सही माना जाता है, या हम चीख चीख के मर जाए तो हमारी जज साहब कोई बात माने नहीं, कहना और वो इसीलिए नहीं मानते हैं, सही है, कानून में प्रावधान नहीं है। लेकिन विशेष अब उसके अंदर क्या है इसको देखिए, इसको प्रूव करने का प्रावधान किसका है? इसका लगेगा सर्कमस्टांशियल एविडेंस, आपने इकट्ठे करके दे दिए, अब जज साहब उसका एनालिसिस करेंगे, आप गवाह है उसको करेंगे, आप मेडिकल डॉक्टर है उसका वो करेंगे, फोरेंसिक साइंस वाला है उससे पूछेंगे, ये सब चीजें कलेक्ट करेंगे। लेकिन पुलिस वाला कलेक्ट करके अदालत के सामने रख सकता है। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस का अहम रोल होता है, अपराध घटित होने के तुरंत बाद उस पर क्या कार्रवाई पुलिस ने की, क्या उसके बाद में जो अपराध जो हुआ उसके जो एविडेंस है वो क्या सही समय में कलेक्ट किए गए? वो तो मैं आपको बिल्कुल मैं इससे असहमत नहीं हूँ। आप तलवार का जो मसला है वो थाने वालों ने उसको बिगाड़ दिया है, वो जो चीज उनको कलेक्ट करनी चाहिए थी नहीं की,
सीबीआई जब पहुंची, सीबीआई के पास केस पहुंचा तो लेट हो गए, अब क्या कर लोगे? तो थाने वाले यही कर सकते हैं कि उनको उनके सुपरवाइजरी अधिकारी इतना ज्ञान दें कि मौके पर तुरंत पहुंचे, इस प्रकार की कार्रवाई तुरंत करें। लेकिन आजकल कानून में है, लेकिन आजकल पुलिस के अधिकारी अपने मातहत के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं रखते कि थाने वाला तुरंत उसको क्या कार्रवाई करनी है। आप थानागाजी का केस देख लीजिए, 2 तारीख तक FIR दर्ज हो गई, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये क्या है? ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है। ये ट्रेनिंग कौन सी चल रही है? 1861 की ट्रेनिंग चल रही है। आप लोग मिलकर के इस ट्रेनिंग को चेंज नहीं कर रहे हैं। मेरे से पूछते हैं, मैं बताता हूँ आपको ट्रेनिंग में, अरे साहब प्रावधान क्या आने चाहिए? ट्रेनिंग में है ही नहीं, वही कदम ताल है, वही पुराना RPA चल रहा है। मैं भर्ती हुआ था, वही क्लासें चल रही है। मैं भर्ती हुआ था, वही सब्जेक्ट चल रहे हैं। आज यानी जो आप ये योगेंद्र जी, मैं बिल्कुल आपके पास आता हूँ। ये जो देखिए मानसिकता की बात योगेंद्र जी ने भी कही, मॉरल एजुकेशन, ये जो मॉरल एजुकेशन को लेकर जो बात है, क्या केवल एक मॉरल एजुकेशन से ये समस्या आपको एक हल होती दिखाई देती है, या फिर इसके लिए कुछ और कदम लगते हैं कि वो उठाने होंगे? मॉरल एजुकेशन एक बहुत बड़ा हल हो सकता है कि हम स्कूल्स के अंदर ये दें, हम अपने परिवार के अंदर दें, हम अपने समाज के अंदर दें। देखिए बच्चों के साथ जो घटनाएं होती है उसके अंदर, जैसा कि अभी सर ने कहा था, 90% केसेस के अंदर घर वाले ही होते हैं या बच्चों के नोन होते हैं। तो उसके अंदर सबसे बड़ा एक कारण होता है कि जब बच्चा अपने माँ बाप के पास अप्रोच करता है कि मेरे साथ उस अंकल ने या फिर ड्राइवर ने या भाई ने या फिर किसी ने भी मेरे से कहा है, तो वो लोग उसको दबा देते हैं कि नहीं, वो अंकल तो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो फैमिली फ्रेंड है, वो तुम्हारे बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, तुमको ऐसा कैसे करेंगे। वो लोग इस चीज को गंभीरता से नहीं ले सके। हम लोग क्या शतुर्मुर्ग हो जाते हैं, शतुर्मुर्ग जानते हैं आप, जैसे ही कभी कोई है ना उसके ऊपर है ना अटैक या उसको ऐसा लगता है कि कोई अटैक करने वाला होता है, वो अपनी गर्दन जमीन के अंदर दबा लेता है और उसको लगता है कि कोई खतरा नहीं है। हम भी वही हो जाते हैं कि जब भी कोई बात होती है हम अपना मना कर देते हैं, पर वो चीज नहीं होनी चाहिए। कभी भी आपका बच्चा आपको कुछ भी कहता है कि मेरा स्कूल ड्राइवर, मेरा क्या कहते हैं ऑटो में, या फिर मेरा चौकीदार, या फिर बस ड्राइवर, टीचर, प्रिंसिपल, अगर कुछ भी ऐसी हरकत कर रहा है और हम उसको लाइटली लेते हैं, फैमिली फ्रेंड है, कुछ भी लाइटली लेते हैं, तो प्लीज लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने कि ये इस बच्चा अगर कोई संकेत दे रहा है, और ये जो घटना हुई अलीगढ़ की, तो साफ तौर पर जाहिर करती है कि जिस व्यक्ति ने ये किया वो साफ तौर पर उसका जो मानसिकता थी वो जगन विवश थी, जगन अपराध थी उसने किया। उसको पता था कि बच्चा जिस बच्चे को मार रहा है उसका वो भारत के कानून में उसकी क्या सजाएं होती हैं, उसके बाद बावजूद भी उसने इस अपराध को अंजाम दिया। अभी वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं अलीगढ़ में जिस तरह से 2.5 साल की बच्ची के साथ जगन अपराध हुआ, उसकी हत्या की गई, ये किस मानसिकता को दर्शाता है। इस तरह की घटनाएं, बच्चियों के साथ यौन शोषण, बच्चियों की उसके बाद हत्याएं, इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। बच्ची हो, महिलाएं हो, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और बहुत सारे कारण इसके पीछे हैं जिन पर हम आज चर्चाएं कर रहे हैं। मैं दिनेश जी आपके पास आऊंगा। कानून की जो बात कही, अलग अलग कानून बने हुए हैं, उन्होंने भी देखिए कानून बनाने से, उसके इम्प्लीमेंटेशन से, उसके बाद अगर कानून बनाने से ही रुक जाता तो शायद मेरे ख्याल से सारी चीजें नहीं होती, ये सब चीजें रुक चुकी होती लोगों में। लेकिन कानून का प्रभावी होना और उसका लोगों में एक डर पैदा होना कि नहीं, अगर ये चीज मैं करूंगा तो मेरे लिए बहुत मैं सीधे मतलब मुझे इस पर इसको भोगना पड़ेगा कानून में, क्या लगता है आपको कि ये इस पर अब कुछ क्या हो सकता है एक, एक विधिवेत्ता की तरफ से आप क्या मानते हैं? देखिए कानून में हर चीज का प्रावधान दिया हुआ है। अगर कोई गवाह आकर के उसकी गवाही से मुलजिम को सजा मिलेगी, यदि वो आकर के कोर्ट में यानी जब पक्षद्रोही घोषित हो जाता है या होस्टाइल हो जाता है, अपने बयानों से मुकर जाता है, तो कोर्ट को ये चाहिए कि भाई उस जो होस्टाइल जो गवाह है उसके खिलाफ भी 182 में कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो आने वाले जो और दूसरे जो केसेज में है तो वो अभियुक्त को ये लगे कि यार ये अगर मैं अगर कोई भी गवाह है अगर मैं मुकर जाता हूँ तो उसको भी सजा हो सकती है। जब तक कानून का भय न्यायालय में नहीं रहेगा तब तक मुलजिमों को सजा होना मुमकिन नहीं है। तो यानी कि देखिए इस अपराध में तो अलीगढ़ वाला जो अपराध है उसको लगा कि बच्ची की हत्या कर दूंगा आसानी से बच जाऊंगा, मतलब उसको लगा कि शायद कोई गवाह नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है, हत्या करने के बाद गवाह
कहीं ना कहीं चीजें खुलती हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कुछ क्लू मिलते हैं, सुराग मिलते हैं और चीजें कतारबद्ध होने लगती है। चालान पेश होता है, चालान में जो एविडेंस के आधार पर कोर्ट के पास में सिर्फ और सिर्फ जो कोर्ट के सामने जो एविडेंस लाई जाती है, दस्तावेज पेश किए जाते हैं और जो एविडेंस होती है उसके आधार पर कोर्ट को निर्णय देना होता है। क्या गवाह आकर के कोर्ट में उस घटना की तायद करता है, अगर तायद करता है तो कोर्ट उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करती, सजा दी जाती है। क्योंकि अलीगढ़ वाला मामला है वो अपने आप में विभत्स मामला है और ये लगता है कि ऐसे केसेज में कोर्ट को अपना कड़ा रुख अपनाते हुए बिना दोषी को दया दिखाते हुए फांसी की सजा देने का अलीगढ़ वाले मामले में वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो आपके पास के सामने वो सजा मानी जाती है। जोशी जी एक मिनट, प्रश्न ही नहीं होता। जोशी जी एक मिनट, जोशी जी देखिए, अलीगढ़ वाले मामले में जो अपराधी है उसने उसके पिता को पहले से ही धमकी दे रखी थी और लगातार वो धमकी देता हुआ रहा था कि तुम्हें बहुत बुरे अंजाम को भुगतना पड़ेगा। यहाँ कहीं लिखी हुई है कैसा? वो लगातार उसको धमकी दे रहा था, तो इसलिए अलीगढ़ वाले मामले को इन सबसे अलग करके देखना होगा, क्योंकि वो एक सोची समझी साजिश थी, सोची समझी घटना थी जिसके अंजाम के बारे में भी वो था, लेकिन क्योंकि उसके मन में उसके प्रति इतनी ज्यादा घृणा भर चुकी थी, वो घृणा के क्या कारण हो सकते हैं? बिल्कुल, आप देखिए, आप देख लीजिए, आप पूरी उसके पूरी घटनाक्रम को उठा करके देख लीजिएगा, उस पूरी घटनाक्रम को उठा आप अध्ययन करेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये जो पूरा कारा हुआ है उसमें बच्ची एक मोहरा बन गई, अपराधी उसका बच्ची का बाप भी था और वो भी था, दोनों अपराध थे, दोनों के बीच में लेन देन का घट वो था, लेकिन क्योंकि बच्चा हर जगह मोहरा बन गया था, वो कैसे अपराधी था? बच्ची का पिता क्या से अपराधी था? उसको पैसे दिए, अगर मैंने किसी को पैसे दिए और मैंने किसी से पैसे मांगे, अगर वो उसको बात बुरी लग रही है, चुभ रही है या उस पर कोई तल्ख टिप्पणी हो गई हमारे बीच में, तो मैं अपराधी थोड़ी हो गया? क्योंकि देखिए, वो उसको बार बार धमका रहा था कि तू मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं तेरे को वो करूंगा, वो उसको पैसे मांगने के लिए उसको धमका रहा था और वो पैसे देने की असक्षम हो रहा था या पैसे देने की नियत नहीं थी, उस नियत की वजह से तो वो भाई अंजाम, तो देखिए हर घटना में भुगतना तो बच्चे को ही पड़ रहा है ना, भुगतना तो वो उसका पिता भी नहीं जानता था ना कि ऐसा मेरे बच्चे को भी भुगतना पड़ सकता है अंजाम, कि मेरे बच्चे के खिलाफ भी कुछ हो रहा है, इंटेंशन रख सकता है। ये तो 10,000 की बात थी, यहाँ तो आपको एक एक रुपए के पीछे भी लोगों की हत्या होगी, तो जोशी जी के खुद के साथ होती है, लेकिन एविडेंस को उस सर्कमस्टांसेस एविडेंस को अपराधियों से जोड़ने का दिमाग वो एविडेंस कौन इकट्ठे करेगा? वकील थोड़ी करेगा, जज थोड़ी करेगा, पुलिस थोड़ी बनाएगी। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने के तरीकों में परिवर्तन करिए और परिवर्तन करके ऐसा करिए ताकि इस प्रकार के अपराधियों में अपराधी को सजा दिलाने में पुलिस सक्षम रहे। वो अगर देख रही है कोई चीज और देख के लाई है तो उसको सत्य माना जाए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। और जो आप कह रहे हैं, अभी आप देखिए, उन्होंने कह दिया उन तीनों अपराधियों को पकड़ लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, एविडेंस नहीं होंगे तो बाइज्जत घर आएंगे वो, अगर एविडेंस नहीं जोड़े जाएंगे तो। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन के तरीकों में चेंज करिए, पुलिस के अंदर जो पुलिस बात इकट्ठी करती है उस बात के ऊपर जज और मजिस्ट्रेट इस प्रकार के कानून बनाए ताकि वो विश्वास करें कि ये पुलिस वाला जो लाया है ये सही लाया। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जिस तरह की, ये तो बच्ची के साथ हत्या कर दी उसकी, और जो बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटना है उसके बाद उनकी हत्याएं महिलाओं के साथ, अधिकतर पुलिस में ये केस जाते हैं जब थाने में, तो थाने में ये इस तरह की भी रहता है कि ये पहुंचते ही नहीं है थाने तक ये केस। जी जाते भी हैं तो आधे पर्दे तो वहीं राजीनामा करके सल्टा दिए जाते हैं। ये कोई कानून है क्या सल्टाने का? मतलब बच्ची के साथ छेड़खानी, महिला के साथ छेड़खानी है, घूर के देखना, आंख मारना, सब कानून में अपराध बने हुए हैं। उसका इवन पीछे कर पीछा करना, आपने वहां का हरियाणा का मामला नहीं देखा, वो वणिका वाले मामले में एक जो पार्टी के नेता का लड़का था वो उसके पीछे गाड़ी लेके गया, गाड़ी को रोका और उसमें जब मुझे बुलाया गया टीवी में, मैंने कहा इस पुलिस वाले ने धाराएं सही नहीं लगाई और लगाएगा तब वो गिरफ्तार होंगे, और 6 दिन बाद धाराएं लगी, वो गिरफ्तार हुए, फिर पेश हुए। कारण ये है, धाराएं सब बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन उनके बारे में प्रोसीजर जो पुलिस को एडॉप्ट करने के लिए निर्देश आने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट के आप इसमें ये चीज करोगे, वो करके आप अदालत के सामने पेश करिए और
जो पुलिस वाला पेश कर रहा है उसको सत्य मानना अदालत का काम होना चाहिए। इस प्रकार से कानून में परिवर्तन होना चाहिए जो हमारे यहाँ नहीं है। जोशी जी की बात से सहमत हूँ, आप चाहे मत सहमत हो साहब, नहीं नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में अगर ये नहीं होगा तो इसी प्रकार के अपराध होंगे। पुलिस का काम, किताबें हमने पढ़ी है, वकील वकालत मैं भी करता हूँ, मैं भी वकालत करता हूँ, लेकिन आर्म्स एक्ट में, आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार करते हैं, सब छूट छूट के जा रहे हैं। हमारे कानून में ये खामी है कि 161 के द्वारा जो बयान लिए जाते हैं तो उसकी ग्राह्यता नहीं होती। तो मैं यही कह रहा हूँ कानून में परिवर्तन करिए, विशेष अपराधों में ये निर्णय करना चाहिए, सरकार को ये नियम बनाए जाने चाहिए, क्योंकि पुलिस के जो एविडेंस संकलित की जाती है उसके द्वारा जो बयान 161 सीआरपीसी में लिए जाते हैं उनको भी रिलायबल माना जाए, विशेष इस तरीके से अमेंडमेंट होना चाहिए। साथ में ही पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वो अलग बनानी चाहिए। हमारी पुलिस है वो धरना प्रदर्शन को भी नियंत्रित करती है, कहीं रोड जाम हो गया उसको भी नियंत्रित करती है, समस्या है, लेकिन क्या पुलिस कर्मी जिसके पास में अपराध जांच के लिए आता है क्या वो खुली मानसिकता से बिना दबाव के क्या वो जांच कर रहा है? इसलिए अपराधी छूट जाते हैं। यदि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन विंग को अलग कर दिया जाए तो शायद अपराधियों को कानून से कोई नहीं बचा सकता, उनको सजा 100% मिलेगी। तो पुलिस के बारे में भी सोचना चाहिए, इस और भी नए नियम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1947 के बाद से 1980 तक आईबी सीपी और एपी अलग अलग थे। एक किसने किया, किसने किया एक? सरकारों के द्वारा। फिर जब अलग अलग थे, एपी माने वो लाठी बटा जंग वाली, वो अलग थी लाइन में, आईबी वाली इंटेलिजेंस और सीपी वाली जो इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब इनको अलग अलग किस थे वो पहले से, उनको एक कर दिया। एक करने वाले कौन थे? उन्होंने कहा साहब इसमें बढ़िया अच्छा हो जाएगा, सब खराब कर दिया, सब चौपट। ठीक है, ये पुलिसिंग की प्रक्रिया पर भी देखिए लगातार, चूंकि जिस तरह से पुलिस के साथ जो समस्याएं हैं या जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, जैसे जोशी जी ने कहा, देखिए मैं तो ये जाना, देखिए लगातार केसेस हो रहे हैं, निर्भया की बात होती है, निर्भया के बाद बहुत सारे केसेस उस दौरान ही हुए, फिर कठुआ पे एकदम हलचल मची, देश में कठुआ पे उन्नाव पे हलचल मचती है। अब ये मामला है, ये हत्या का मामला है, इसमें ये साफ तौर पर पुष्टि है कि रेप की पुष्टि नहीं है, जिस तरह का मामला अफवाहों पर पुलिस ने साफ कहा कि आप ध्यान नहीं दें, इसमें रेप का ये मसला नहीं है, लेकिन हत्या की गई और जघन्य तरीके से बच्ची के साथ बच्ची की हत्या की गई। ये क्या केवल और केवल घर में, देखिए माँ बाप का एक रोल हो सकता है, परिवार के जो अन्य बड़े सदस्य हैं उनका रोल हो सकता है, और आपको क्या लगता है कि इस पर कैसे एक समाज में काम किया जाए इस तरह की चीजों पर? क्योंकि ये सोच कहीं ना कहीं अपराधी के अंदर डर तो नहीं है उस चीज का, तो कैसे और कौन से उपाय आप देख रही हैं एज एक दृष्टि से कि समाज के हिसाब से और क्या किया जा सकता है? देखिए इंटरनेट वगैरह को हम दोष ठहरा देते हैं, बिल्कुल है काफी हद तक इंटरनेट और मीडिया ऐसे क्राइम में बढ़ने में काफी हद तक एक दोषी भी है, और ये है कि परिवार का बिखराव भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है। कि जैसे कि सर ने कहा था कि कोई भी अगर कोई अपराध करता है तो कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड में बचपन में उसके साथ वो अपराध हो चुका है, और उसके बाद वो उस अपराध में आता है, क्राइम में आता है, और फिर वो अपराध करता है। काफी सारी चीजें मिलकर एक व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति से अपराधी करती है, जैसे कि पुराना बैकग्राउंड होता है, क्या उसकी सोच रहती है, किस परिवार में वो बड़ा हुआ है, उसके माता पिता की क्या सोच है, वही सोच उस बच्चे में रहती है, आसपास का वातावरण क्या है, ये सब चीज मिलके ही उसकी मानसिकता को बनाती है, और कहीं ना कहीं उस मानसिकता में परिवर्तन आता है, जघन्य हो जाती है, उसकी वजह से वो एक अपराध को जन्म देता है। रोक कहाँ कहाँ हो सकती है? सबसे पहले तो अगर हम अपनी बात करें तो स्वयं पे एक परिवार में अपने आप को बात करनी होगी, हमें अपने परिवार में बच्चों को सीख देनी होगी, लड़का लड़की दोनों को सीख देनी होगी। जहां हम अपने एक बेटे को बोलते हैं, अगर वो अपनी बहन को या माँ को कभी कुछ अपशब्द बोलता है, या कभी बोलते हैं ना कि बहन को क्यों मारा, ऐसे बोलने के बजाय हम सीधा बोले कि आप किसी लड़की को ना मारेंगे, किसी को भी नहीं मारेंगे, किसी के हाथ नहीं उठाएंगे, आप हर एक लड़की का सम्मान करेंगे। समाज के अंदर हम बात करते तो जैसा कि अभी देखा है कि आसपास के समाज के अंदर सर ने कहा कि छूट जाएंगे फिर उसी समाज में वापस आ जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हम कहीं ना कहीं उस अपराधी को समाज से बहिष्कृत नहीं करते, उसको वापस एक्सेप्ट करते हैं। हम एक्सेप्टेंस
कॉन्फिडेंस हो जाती है उनको कि हम वापस जाके उसी ढर्रे पे चले जाएंगे, लोग हमें बुलाएंगे, हमें खाने पे बुलाएंगे, लोग उसी तरीके से रहेंगे। जब हम समाज से बहिष्कृत नहीं होंगे, समाज का हमें डर नहीं रहेगा, तो हम अपराध करेंगे। तो वो चीज एक समाज के लोगों के अंदर होनी चाहिए कि जब भी किसी लोग डर से चुप हो जाते कि नहीं हम हमारा क्या होगा, लोग हमारी बुराई करेंगे या हमारे बारे में बात करेंगे, हमारे बच्चों के बदनामी होगी, तो इस डर से बोलते नहीं है। तो वो नहीं होना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए। कहीं पे भी आप ऐसा केस देखते हैं उसके साथ आपको खड़े होना चाहिए। समाज का बहिष्कृत होना भी एक कारण हो सकता है, हाँ, कि हम लोग उस चीज को रोक सकते हैं। और थर्ड और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार का, पुलिस का, इनका एक बहुत रोल होता है। डर सरकार का, नियम का, लॉ का डर भी एक बहुत बड़ी चीज होती है जिससे हम क्राइम को कम कर सकते हैं। तो हर एक लेवल पे अपने को काम करना पड़ेगा। समस्या है पर समाधान भी हमको ही ढूंढना पड़ेगा। किसी दिन ऐसा नहीं होगा कि हम जगेंगे और सारे अपराध क्राइम खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे हर लेवल पे काम करके ही हमको इसको बंद करना पड़ेगा। ऐसा तो हर किसी भी देश में नहीं है कि वहाँ अपराध नहीं है। अपराध का स्तर अपराध हर देश में बढ़ रहा है। हर देश में अलग अलग हो सकता है कि किसी देश में ज्यादा है, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, इस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ सामाजिक व्यवस्था कैसी। उस पर विजय गोयल साहब, अब देखिए, आपने कहा जिस तरह के केसेस, आप चूंकि लगातार इस तरह के केसेस से रूबरू हो रहे हैं, आप देख रहे हैं जो जिन बच्चों के साथ वे घटनाएं घटती हैं उनमें तो एक डर व्याप्त हो जाता है, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिनके साथ ये घटना हुई हो सकता है वो बड़े होके उस तरह की चीजें कई बार उसको अंजाम देते हैं। दूसरों, एक होता है ना कि मेरे साथ अगर ये हुआ तो मैं दूसरे के साथ करके इसका बदला लेना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो अलीगढ़ का जो आप मसला है, ये तो हत्या का एक, जो आपने कहा कि उसके अंदर एक बदला लेने की भावना थी उसके पिता से और उसने ये इस कारण से ये इस घटना हुई, लेकिन कहीं आपको लगता है कि उसकी मानसिकता इतनी कुत्सित हो चुकी थी कि एक 2.5 साल की बच्ची जो फूल है, जिसको वो शायद एक आदमी का कत्ल करते समय ही वो भावना रहती है, या 2.5 साल की बच्ची का जो वो जब कत्ल जिससे अंदाज में उसने किया, बहुत अंतर है ना इन चीजों में। नहीं देखिए, ये तो क्योंकि पिछले 10-12 सालों से जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ी आई है, इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। बदले की जब भावना मन में आ जाती है कि मुझे बदला लेना है, मुझे इनसे बदला लेना है, तो मुझे इनसे बदला लेने के लिए मैं देखूंगा कि क्या क्या चीजें हैं जिससे मैं इनसे बदला ले सकता हूँ। देखा कि यार इसके बच्चा है, बच्चे को मैं मारूंगा तो क्या होगा, यदि इसको मैं मारूंगा तो मुझे क्या होगा, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही है। ये जो बदले की भावना अब बढ़ती जा रही है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और वो बहुत सारे कारण ही है कि आज के इस दौर में जब मैं अपने आप को पिछड़ता हुआ देख रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मुझे ये चीज पानी है, और मुझे इस चीज पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर मैं उस बदले की भावना में आऊंगा, और उस बदले की भावना में आने के बाद मेरे को, मुझे लगता है कि इसकी बच्ची को मार के मुझे वो चीज संतुष्टि मिल सकती है, या मुझे इसको मारने से संतुष्टि मिल सकती है, या मुझे इस काम को करने से मुझे संतुष्टि, शायद मैं उसको करने को रहूंगा। तो ये बदले की जो भावना है इसको पर काम करना पड़ेगा। और मैं जैसे बार बार ये कह रहा हूँ, ये सब चीजें उपज कहां से रही है, कहीं ऊपर से तो नहीं आ रही, ये हमारे समाज में ही बढ़ रही है। समाज में बढ़ रही, इट मींस वो ये रहा है कि जैसे जैसे परिवार टूटता जा रहा है, जब हम संयुक्त परिवार में थे वहां मेरे को कुछ भी घटना हो रही थी, बच्चे के साथ कुछ भी हो रहा था, तो उसको देखने वाले टोकने वाले 4 जने था, पूरा मोहल्ला था, वो एक बच्चा एक मोहल्ले में रह रहा है, तो मोहल्ले के 4 जने भी कोई गलत कर रहा था, बोलने वाला था कि तू गलत कर रहा है, तेरे पापा से शिकायत करूंगा। आज वो चीजें खत्म होती जा रही है। आज अड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचान पा रहा कि अड़ोसी के मेरे घर की बच्ची को यदि पड़ोसी का बच्चा ले जा रहा है, तो उसको नहीं मालूम कि मैं कहां ले जा रहा हूं। बताओ इसका, ये तो सबको पता है कि ये हो रहा है, लेकिन इसमें सुधार नहीं पा रहे ना, हम इसको सुधार नहीं पा रहे ना। नहीं तो सोल्यूशन बताओ, हम बता रहे हैं सोल्यूशन कि पुलिस की गवाही को मान्यता दी जाए, नहीं पुलिस जो देखती है आंख से उसको सत्य माना जाए, जोशी जी और उसके लिए क्रॉस कर लीजिए आप कितना अदालत में करते हैं उस नहीं, 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 नहीं। लेकिन उसकी अगर आंख से पुलिस वाला कोई चीज देख रहा है तो उसकी बात मानी जाए, और जब तक ये नहीं होगा जब तक इन चीजों के अंदर सुधार बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, मैं आता हूँ आपके। हाँ जोशी, मैं एक थोड़ी सी एक बात, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं पुलिस की गवाही। मैं जोशी जी पिछले 5 साल के से तो इंसेंटिवली पुलिस के साथ बैठ करके, पुलिस थाने में बैठ करके काम कर रहा हूँ, और बच्चों के साथ ही काम कर रहा हूँ। बात पुलिस की गवाही की नहीं है, बात जिम्मेदारी की भी है कि मेरे को यदि ये समझ में आ जाता है कि ये इस व्यक्ति ने अपराध किया है और मुझे इसको सजा दिलवानी है, तो मैं उस पूरी चीज को एक जिम्मेदारी से करूंगा।
सॉरी आप बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं जिम्मेदारी से, तो मैं अपराध में चालान किया परसेंटेज देखिए, सजा का परसेंटेज देखिए। मैं फॉर एक एग्जांपल दे देता हूं भी आपको, रिसेंटली एक बच्चा जिसके साथ हेरासमेंट होता है, पुलिस थाने में जब मैं उपस्थित हूं अधिकारियों के सामने, पुलिस वाले उसको अलग से ले जा करके ये कहते हैं कि तू बता तेरे साथ रास्ते में हुआ या नहीं हुआ, अभी भी बता दे। जिस तरीके से जिस वे में उस बच्चे से पूछा जा रहा था, फिर वो बच्चा तो सही बताएगा क्या है? पुलिसिंग के जो तरीके हैं उन पर आप जो आमूल परिवर्तन की बात करें, निश्चित तौर पर इसका फर्क बिल्कुल फर्क आएगा। अगर ये पुलिसिंग की प्रक्रिया में चेंजेस तो बहुत सारी चीजें बदलेंगे। मेरा ये मानना है कि कम से 50-60% केसेस तो पुलिस थाने में जाते ही नहीं है, इसलिए नहीं जाते हैं कि पुलिस का व्यवहार, पुलिस का डर, क्या मैं वहां जाऊंगा तो क्या मेरी बात की सुनवाई होगी, उल्टा कहीं मेरे पर ही डाउट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही। जब तक इन प्रक्रियाओं में सुधार नहीं होगा तब तक अपराध के ग्राफ में कमी नहीं आएगी। इस वक्त देखिए इस मामले को लेकर देश में चाहे सोशल मीडिया हो चाहे सेलिब्रिटीज हो, सभी अपने तरीके से उबाल पर हैं। अलग अलग हिस्सों में, हम राज्य की बात करें, राजस्थान के भी अलग अलग हिस्सों में इस पर प्रदर्शन किए गए। आइए देखते हैं कि कुछ जगहों पर किस तरह से इस मामले को लेकर लोगों में गुस्सा दिखाई दिया और प्रदर्शन किए गए। लोगों ने मीडिया पर जो प्रदर्शन किया गया, जो सोशल मीडिया पर जो गुस्सा जाहिर किया सेलिब्रिटीज ने, वो देखते हैं।
तो आपने देखा कि देश में अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि लोगों में गुस्सा है। ऐसा ही गुस्सा निर्भया कांड के बाद हुआ, ऐसा ही प्रदर्शन कठुआ के बाद हुआ, जितने भी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उसके बाद इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इस तरह के प्रदर्शन किए गए। लोगों ने मांग की कि भाई देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, कानून कड़े हों, अपराधियों को सजा मिले, लेकिन घटनाएं नहीं रुक रही हैं, घटनाएं लगातार हो रही हैं। और उसके पीछे एक केवल एक कारण को दोषी नहीं माना जा सकता कि कानून कमजोर है, या बहुत सारे समाज की बात हम इसमें समाज को शामिल कर सकते हैं, हम कानून को शामिल करते हैं इसमें समाज को, और जो घर परिवार का जो विघटन है, जिस तरह से जो चीजें हुई हैं, सभी चीजें इसमें शामिल की जा सकती हैं। योगेंद्र जी, आपने जो बात कही पुलिसिंग की प्रक्रिया की, उसमें मेरा हौसला करने पर समय नहीं है कि पुलिसिंग की प्रक्रिया को बार बार जोर डाल रहे हैं, और जो बहुत सारे केसेस पुलिस में थानों में आते ही नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ केस ले जाएंगे तो पता नहीं हमसे कैसा व्यवहार होगा, हम अपनी सच बात को कहेंगे, वो हमारी बात को सच मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो ये परिवर्तन अब जो आप बात कर रहे हैं, सरकार यानी कि इस पर गंभीर नहीं, क्योंकि सरकारों को लगता है कि पुलिस परिवर्तन, सरकारों को लगता है कि पुलिस परिवर्तन करने के लिए कटिबद्ध ही नहीं है किसी भी तरह से। कौन करेगा इसको परिवर्तन? परिवर्तन हम जैसे करेंगे जिन्होंने 35 साल नौकरी की। हमसे पूछा जाए या और भी है हमारी तरह के जो ये बताएंगे कि पुलिस में परिवर्तन कैसे होना चाहिए। जो ट्रेनिंग उस समय होती थी सन 47 में, वही ट्रेनिंग आज भी हो रही है। आज भी देखिए आप, साइबर क्राइम नाम का एक थाना है, उसके अंदर 4 अधिकारी हैं, और वो भी ऐसे ही थानेदार जिनको जोर आता है न तो अंग्रेजी जानते हैं, और केसेस थाने में जाती है। मैंने 70,000 की FIR दर्ज कराने के लिए थाने में भेजा, थाने वालों ने पहले तो FIR दर्ज नहीं की, अरे साहब इसको कहां ढूंढेंगे, और एक महीने बाद जब जोर देने पर दर्ज हुई है तो उसमें FIR लगा दी। क्या तरीका है इस तरह के जो अपराध हो, तो आप इनमें क्या करोगे? इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, मर्डर है, आप देखिए 100% में से 90% मर्डर में आदमी छूटते हैं, 307 में छूट जाते हैं, इस रेप केस में छूट जाते हैं। ये जो अपराधी है, जो आप जिनके बारे में डिस्कस हो रहा है, ये पहले भी 2 बार अपराध कर चुके हैं, तो ये अपराध करके जेल से ही तो बाहर आए हैं। मेरा सबमिशन यही है कि तरीकों में चेंज लाए, इसके लिए बैठें, आम नागरिक से विचार विमर्श किया जाए इसके लिए, और वो जो पुराना डर्रा चल रहा है कदम ताल का, वो बंद किया जाए। बिल्कुल, विदेशों में कैसे इन्वेस्टिगेशन होते हैं उनका अध्ययन किया जाए, उनको यहाँ समाविष्ट किया जाए। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं जिनको करने से इसमें सुधार हो। जोशी जी की बात से मैं एग्री हूँ, हमारी पुलिस को हाईटेक करने का टाइम आ गया है। यस, आज हम अपराधों का जो स्तर बढ़ा है, अपराधों का जो प्रकार बढ़े हैं, आज साइबर से रिलेटेड जो अपराध बढ़ रहे हैं, किसी व्यक्ति को ये पता नहीं है कि उसके अकाउंट से उसकी बिना सहमति के, बिना पता लगे हुए उससे पैसा निकाल लिया जाता है। ऐसे अपराधों की जांच के लिए हमारे पास में पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है। सरकार को चाहिए कि ऐसे अपराधियों के रोकथाम के लिए हमारे पुलिस को हाईटेक किया जाए। नहीं तो कुल मिला के देखिए कि आपने जो ये इस अपराध की बात की, साइबर की आप जोड़ के देख रहे हैं, यहाँ तो एक ऐसा जघन्य अपराध किया गया है। जघन्य अपराध करने के लिए आदमी मोबाइल लेके नहीं होता है, वो मोबाइल को धरेगा और जगह, फिर पुलिस क्या करेगी? पहले तो ले जाता था भूल चूक में, पुलिस वालों से इस संबंध में क्रॉस होते हैं कि आप जब मौके पे गए तो आप अपने मोबाइल ले गए होंगे, वकील पूछते हैं हाँ ले गए साहब, अब वो मौके पे गया नहीं गया उस पर डिस्कशन हो रहा है। अरे अपराधी के तो नहीं हो रहा, उस पर डिस्कस हो रहा है कि मोबाइल थानदार जी वहां लेके गए कि नहीं गए मौके पे। चलिए, मैं ये कह रहा हूँ अपराधी जो है वो अपराध करते हैं, सावचेत हो चुके हैं, इस प्रकार के मोबाइल है, इस तरह की कोई चीज लेके जाते हैं, मुंह ढक लेते हैं, कपड़े ढक लेते हैं। अब नई चीज, लास्ट एक आपसे एक पॉइंट जानना चाहता हूँ, ये जो अपराधी है जिसने ये अपराध किया, जो भी नाम है उनके, असलम जाहिद, जो भी, ये पहले इसमें से एक अपराधी अपनी बेटी के रेप का भी आरोपी रह चुका है, यानी कि उसका जो मानसिकता पहले से थी, पहले से रेप थी। का तो आरोपी था ही वो, उसको उसके बाद वो आरोपी खुला घूम रहा था, छूट रहा था, और उसको कहीं ना कहीं दोबारा अपराध करने की प्रेरणा मिल गई, शय मिल गई, एक तरह की उसको प्रेरणा नहीं कहूंगा मैं, तो शय मिल गई है कि अगर मैं अपराध करूंगा पुलिस में भी जाऊंगा, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, फिर मैं वापस आकर खुल जाऊंगा। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि हमारे समाज में जो अपराध बढ़ रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अपराध करके आते हैं पुलिस जाते जेल जाते, जेल जाने का डर खत्म हो जाता है, और एक अपराध जिसके
जिस व्यक्ति के ऊपर उसकी खुद की बेटी के रेप का आरोप लगा हुआ है वो अगर खुला घूम रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें तो वो रहेगा ही नहीं कि किसी और की बच्ची को वो मार दे। लास्ट बात ये कि आज भी एडीआर का जो अध्ययन है 64% हमारे राजनेता आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। देखिए ये इस पर भी बहुत लंबे समय से मैं इसको भटकाना नहीं चाहूंगा। आप जो भी है स्थितियां लगातार इस तरह की घटनाएं, दिनेश जी मेरे पास समय कम है, लगातार जो इस तरह की घटनाएं आज हम जो चर्चा कर रहे हैं ऐसे ही हमने निर्भया कांड के समय में भी की थी इस तरह की चर्चा, उसके बाद कठुआ पे भी हम लोग यहाँ स्टूडियो बैठ कर चर्चा करते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह की बार बार हमको इस देश में हिंदुस्तान में इस तरह के बच्चों के साथ जातियों पर महिलाओं के साथ जातियों पर हमको चर्चाएं करनी पड़े, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये रुके, इन पर कानून काम करे, इन पर पुलिसिंग काम करे, इन पर समाज काम कर सके और समाज का एक ऐसा रूप बने कि इस तरह की घटनाओं से हमें रूबरू ना हो, हमें ऐसा नहीं देखने को मिले जिस तरह से इस बच्ची के साथ हुआ। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा किसी और बच्ची के साथ हो, लेकिन उस पर अब सोचना होगा कि कैसे इस तरह के अपराधों को रोका जाए। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।